आपका अपना पवन तिवेतिया, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क के बारे में। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर स्ट्रेच मार्क कैसे ठीक होते हैं, तो आज हम बताएंगे आपको कि स्ट्रेच मार्क होता क्या है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेच मार्क क्या होता है। स्ट्रेच मार्क ये होते हैं, किसी किसी को यहाँ पे भी होते हैं, किसी किसी को टमी पे भी होते हैं, किसी किसी को बैक साइड पे होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, ये होते हैं स्ट्रेच मार्क। अब इनको ठीक कैसे करना है, भाई का भी क्वेश्चन था मेरे से। भाई आए थे कि सर ये स्ट्रेच मार्क कैसे ठीक होंगे, तो मैंने ये वीडियो बनाई है इसके लिए। समझ लेते हैं स्ट्रेच मार्क होते क्यों है। कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से स्ट्रेच मार्क होते हैं ज्यादातर। जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारे स्किन फाइबर्स को डैमेज कर देता है, ज्यादा स्ट्रेस में बॉडी को डालने से या ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी हम स्ट्रेस में डाल सकते हैं बॉडी को, या हम ओवर थिंकिंग की वजह से डाल सकते हैं। तो ये भी एक कॉज रहेगा स्ट्रेच मार्क के लिए। और सेकंड जो है वो रहेगा ज्यादा वेट एकदम से पुट ऑन होना और एकदम से बहुत सारा वेट, अननेचुरल अनहेल्दी वेट लॉस करना, ये भी रीजन हो सकता है आपका स्ट्रेच मार्क का। तो अब हम बताएंगे आपको कि स्ट्रेच मार्क को ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको एक चीज याद रखनी है कि हमको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आपको ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, मतलब कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और दूसरी चीज ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है। जिम में ज्यादा मसल गेन करने की चाह में हमको ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है कि हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारी मसल ज्यादा गेन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उससे स्ट्रेच मार्क मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मसल अपने हिसाब से काम करती है, स्किन अपने हिसाब से काम करती है, जो रिकवरी टाइम होता है वो देखा जाता है। तो ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि हमको एकदम से वेट को लॉस नहीं करना है, उससे आपको स्ट्रेच मार्क होने की बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको वेट को एकदम से अनहेल्दी प्रोसेस में महीने भर में जो 15-15 किलो वजन कम कर रहे हैं वो नहीं करना है हमको। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपना वर्कआउट, जो आपका वेट ट्रेनिंग है, कार्डियो है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको कार्डियो कार्डियो कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है। न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी स्किन को हेल्दी रखे ऐसा न्यूट्रिशन लेना है, जैसे कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक अच्छा रखना है, विटामिन सी अच्छा रखना है, विटामिन डी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी स्किन को हेल्दी रखने में। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहे। विटामिन्स की तरफ अच्छे से ध्यान देना है, विटामिन रिच फूड है, आपकी ग्रीन वेजीज हो गई, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, इनसे आपके स्ट्रेच मार्क ठीक होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो थर्ड पॉइंट रहेगा, जो लास्ट रहेगा, आपको एक बहुत तगड़ा रामबाण बता देता हूं जिससे कि आपके काफी हद तक स्ट्रेच मार्क ठीक हो सकते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, एलोवेरा लेंगे, फ्रेश एलोवेरा लेंगे, और आपका वर्जन कोकोनट ऑयल और आपका फ्रेश एलोवेरा, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है हमको, अपना मिक्स करके इन दोनों को स्ट्रेच मार्क पे अप्लाई करना है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके स्ट्रेच मार्क को ठीक करने में, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपके 4-5 हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इससे। तो जो मैंने अभी आपको बताया इसको आप एक बार घर पे अप्लाई करके देखो, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको इससे। तो आज के लिए इतना ही, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करो जिससे कि और भी जिन जिन को ये प्रॉब्लम है उनको हेल्प मिल सके। तो मैं आपका अपना पवन तिवेतिया, ए सर्टिफाइड एंड न्यूट्रिशनिस्ट, थैंक यू सो मच।